नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशान एनालिस्ट में। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है स्टॉक मार्केट और मल्टी बैगर्स कैसे चुने। लेकिन मल्टी बैगर्स कैसे चुने ये जानने से पहले मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों से थोड़े शेयर करना चाहता हूँ कि जो मैंने पिछले 10 साल, मैं 10 साल से शेयर मार्केट में हूँ, सो मैंने पिछले 10 साल में ये देखा है कि जनरली कोई भी एक बंदा जो होता है वो 20 से 30 साल की उम्र में कमाना स्टार्ट करता है और वो स्टॉक मार्केट में, और वो हर जगह से सुनता है कि स्टॉक मार्केट से बहुत इजीली पैसा बन जाता है। सो वो क्या करता है कि वो स्टॉक मार्केट में घुस जाता है और वो स्टॉक मार्केट में विदाउट एनी नॉलेज घुस जाएगा। 2-3 साल तक वो ट्रेडिंग करेगा, इंट्राडे में हाथ पैर मारेगा, स्टॉक्स में हाथ पैर मारेगा, कोई अच्छे स्टॉक्स वो खरीदेगा, कोई बुरे स्टॉक्स खरीदेगा। और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि वो 2-3 साल में लॉस करके वो निकल जाएगा और निकलने के बाद पूरी लाइफ भर वो स्टॉक मार्केट को बुरा बोलते रहेगा। वो पूरी लाइफ भर बोलेगा कि स्टॉक मार्केट बहुत बुरा चीज़ है, स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए, आप FD कर दीजिए पैसा स्टॉक मार्केट में। आपको ये भी सुनने को मिलेगा, वो बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट में बस वही काम कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस है या CA है या MBA है। सो जब मैंने ये जाना तो मैंने देखा कि जब मैं ये सुना तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में बहुत ही अच्छे पैसे बन सकते हैं, मैंने बनाए भी हैं। सो मैंने मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आया कि अगर आपने लॉस किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट में कमी है। स्टॉक मार्केट में लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए हैं, अगर आपने लॉस किया इसका मतलब आप में कमी थी। आपने बिना नॉलेज किए हुए, बिना जाने हुए आप किसी कंपनी में घुस गए हैं और उसके बाद आप उस कंपनी में जब लॉस हो रहा है सब आप बोल रहे हो कि स्टॉक मार्केट खराब है, स्टॉक मार्केट खराब है। मैं अपना एक लाइव एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे से एक बहुत ही सीनियर बंदे ने पूछा कि ऑलमोस्ट 6-1 साल पहले कि आइडिया का स्टॉक है मेरे पास, तो उसे मुझे सेल करना चाहिए या बाई करना चाहिए। तो मैंने पूछा उनसे कि आप कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं। सो उन्होंने बोला कि जियो का नेटवर्क मैं यूज़ करता हूँ। सो मैंने बोला आप खुद ही जियो यूज़ करते हैं और आप आइडिया का नेटवर्क के बारे में पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली आपको वो स्टॉक सेल कर देना चाहिए। और आप सबको पता है कि आइडिया और वोडाफोन ने अभी कुछ दिन पहले ही सबसे बड़ा लॉस डिक्लेयर किया है। सो इस चैनल के थ्रू मेरा ये मानना है कि इस चैनल के थ्रू मैं ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि किसी स्टॉक मार्केट बुरा नहीं है। आपको कंपनी, जब आप कंपनी लगाते हैं, ऑलमोस्ट 3000 कंपनी है, सो आप अगर कंपनी लगाते हैं तो आप कंपनी में रिसर्च कीजिए, आप कंपनी में कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं मेरे, वो सब आप देखिए और उसके बाद ही घुसिए, तभी वो कंपनी आपको प्रॉफिट करेगी। जैसे कि वॉरेन बफेट का कहना है कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। रिस्क तभी है जब आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी कंपनी में घुस रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि वो कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी का अर्निंग कितना है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, अगर ये सब आपको नहीं पता है तब जाके रिस्क है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं तब आपको रिस्क नहीं है। सो ये मेरा एक सीरीज़ है और ये सीरीज़ का ये मेरा पहला वीडियो है, और इस वीडियो के बाद मेरे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। जैसे ये है कि हाउ टू फाइंड अ मल्टी बैगर। सो मैंने क्या किया, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था कि पिछले 10 साल में, 15 साल में जितने भी मल्टी बैगर्स कंपनी बने हैं, चाहे वो अवंती फीड्स ले लीजिए या फिर MRF ले लीजिए या कोई सा भी हैवल्स ले लीजिए, सो मैंने क्या किया इनका कि इनमें जो जो कॉमन जो प्रॉपर्टीज था या कॉमन जो फैक्टर्स थे उसे मैंने स्टडी किया। सो स्टडी करके मैंने एक बहुत सारे 5 पॉइंट मैंने बनाए हैं कि अगर कोई कंपनी इस 5ों पॉइंट पे खरी उतरती है तो ये कंपनी एक पोटेंशियल मल्टी बैगर है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद भी वो मल्टी बैगर बने, बट एक पोटेंशियल मल्टी बैगर है वो कंपनी। सो अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये मेरे सीरीज़ का ये पहला वीडियो है और इसके बाद ये जो 5ों पॉइंट है इनके ऊपर हर एक पूरा एपिसोड दिया जाएगा, पूरे डिटेल में समझाया जाएगा कि इसे आप कैसे देख सकते हैं,
ये सारे डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं सिर्फ आपको जरिया बताऊंगा कि ये चीज़ आप यहाँ से देखो प्लीज, ये चीज़ आप यहाँ से देखो, और किस किस कंपनी में ये चीज़ नहीं देखने से लॉसेस हो सकते थे, और मैं पूरी एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। मेरा मानना है कि कोई भी आदमी जो हल्का सा भी पढ़ा लिखा है, जो क्लास 10th पास भी है, वो भी बहुत अच्छी बहुत ही शानदार कंपनी ढूंढ सकता है, और ये 5 पॉइंट तो मिनिमम उसे देखना ही चाहिए। ये 5 पॉइंट में पहला आ जाता है अर्निंग। अर्निंग का मतलब ये है कि वो कंपनी कितना कमाती है प्राइस के रेस्पेक्ट में, जो अभी उसके शेयर्स का दाम चल रहा है उसके रेस्पेक्ट में उस कंपनी का अर्निंग क्या चल रहा है अभी। ये मेरा पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि इज द डाटा करेक्ट और नहीं, करेक्ट और नॉट। कंपनी जो डाटा दे रही है, जो मार्केट में वो डाटा फ्लोट कर रही है, क्या वो डाटा सही है या नहीं। मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे कंपनी बहुत अच्छी डाटा दे रही थी लेकिन उनका क्रेडिट रेटिंग बहुत ही खराब था, और वो कंपनी फाइनली फेक कंपनी निकली, बोगस कंपनी निकली। इसके थ्रू मैं बताऊंगा, जब इसका मेरा वीडियो आएगा जो थर्ड एपिसोड होगा। थर्ड एपिसोड में मैं बताऊंगा कि कैसे कंपनी का जो डाटाज है करेक्ट है या नहीं वो देखा जाए, और उसके बाद मैं बताऊंगा हेल्थ ऑफ अ कंपनी को कैसे देखा जाए। हेल्थ ऑफ द कंपनी में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी के ऊपर कितनी लोन है और वो कितनी इजिली उस लोन को पे कर पा रही है। ये अल्टीमेट जेड स्कोर के थ्रू हम लोग देखा जाएगा। आप लोन को इस तरह से समझिए कि लोन एक तरह से पाँव में एक वजन है। अगर किसी कंपनी को भागना है तो ऑब्वियसली है कि उसका वजन बहुत कम होना चाहिए, यानी उसके ऊपर लोन बहुत कम होना चाहिए। ये मैं वीडियो में सिखाऊंगा कि अल्टीमेट जेड स्कोर किसी भी कंपनी का कैसा निकाला जाए, और उसके बाद मैं देखूंगा कि ग्रोथ ऑफ अ कंपनी, ग्रोथ कैसे कोई कंपनी कर सकती है। अब ग्रोथ दो तरीके से होती है, या तो कंपनी अपने आप को एक्सपेंशन फेज में है तो वो जो प्रोडक्ट बना रही है, अगर वो एक्सपेंशन फेज में है और उसका प्रोडक्ट का दाम कांस्टेंट है तो भी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और या फिर अगर वो एक्सपेंशन नहीं भी कर रही है और लेकिन उसका जो वो चीज़ बना रही है, जो वो प्रोडक्ट बना रही है, उसका प्राइस अगर बढ़ रहा है तो भी वो कंपनी बहुत अच्छी रिजल्ट शो करेगी। और अगर ये दोनों चीज़ हुआ है तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, जैसे कि अवंती फीड्स में हुआ था 2012 2013 में, जबकि वो जो चीज़ बनाती थी उसका भी दाम बढ़ रहा था और एक्सपेंशन भी वो कर रही थी। ये मैं एक एक करके आपको हर एक जो मेरे जो आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें आपको एक एक करके आपको मैं बताया करूंगा। इसके बाद जो चीज़ है कि कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी का मैनेजमेंट आप कैसे देख सकते हैं? ये गूगल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, या फिर किसी कंपनी का, हर एक कंपनी का ऑलमोस्ट क्रेडिट रेटिंग आता है, तो वो क्रेडिट रेटिंग आप कहाँ से मिलेगा, आप कैसे देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सब इस वीडियोस में, जो सब्सिक्वेंटली जो आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको। और फाइनली अगर किसी कंपनी में ये पांचों क्राइटेरिया फुलफिल होती है, उसके बाद भी मैं ये बताऊंगा कि हर एक में क्या ट्रिकी पॉइंट्स है, कहाँ कहाँ से देखा जा सकता है, और क्या चीज़ के ऊपर आपको स्पेशली हर महीने फोकस करना चाहिए। आप कंपनी को लगा के आप भूल नहीं सकते हो, आप कम से कम हर महीने दो तीन चीज जो है वो सब देखना पड़ेगा कि ये चीज क्या चल रहा है, ये चीज क्या चल रहा है। ये मेरे जैसे जैसे वीडियोस आएंगे मैं आपको ये सब समझाया दिया करूंगा, बता दिया करूंगा। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, आप किसी भी कंपनी के बारे में हमसे इस नंबर पे पूछ पूछ सकते हैं। अगर आपको मल्टीबैगर स्टॉक जानना है, मल्टीबैगर स्टॉक को पहचानना है, मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में कोई भी क्वेरी है, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आगे जो मल्टीबैगर कंपनी बन रही है वो आपको जानना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।